हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी ईद मनाइएगा, मीठी ईद, और पैसे भी दीजिएगा, मतलब ईदी दें छोटे बच्चों को। और मैं भी छोटी हूँ, मुझे भी आप लोग अगर ईदी देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। रात में मेहंदी जाके लगवा आई थी और अभी मैं उठ गई हूँ। पूरे घर की साफ सफाई नायाब ने कर दी है मेरे उठने से पहले। उसको पता था प्रिंसेस ने उठना है यार, घर की सफाई तो जरूरी है ना नायाब? यार ये सड़ती रहेगी सारी जिंदगी। खैर अभी मैं तैयार होने लगी हूँ, कपड़े मैंने आयरन कर लिए हैं, प्रेस कर लिए हैं अपने भी, और अम्मी के भी मैंने कर दिए हैं। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, अब हम होने लगे हैं रेडी, और नमाज अदा करनी है और उसके बाद फिर हम जाएंगे फोटो शूट के लिए। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मैं रेडी हो गई हूँ। मैं नायाब का वेट कर रही हूँ, बस मेरे इयर रिंग्स रह गए हैं, नेल पेंट रह गया, वो लगा के भी अपने नायाब को लेके फोटो शूट करने चलते हैं। अच्छा जी, अब मेरे बाल बन रहे हैं और वो सिर्फ एक इंसान बना सकता है, चाहे जितने दुनिया के आर्टिस्ट मर्जी आ जाए, लेकिन नायाब जो है ना, थैंक यू नायाब, मैं इसको फेल कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद हमेशा मैं ही बनाती हूँ और मैं ही सेट कर सकती हूँ इसके बाद। ओवर जब मैं तो तुम्हारा क्या होगा। खैर अब हम बाल बनवा रहे हैं। हाँ तो सबको ईद मुबारक। हाँ सबको ईद मुबारक। अब मैं बाल बनवा रही हूँ, उसके बाद हम फोटोज बनाएंगे, वो भी नहीं आपने बनानी है। वेल अब तुम्हारी जिंदगी, लेट्स वेट फॉर माय फुल लुक। नहीं कुछ नहीं है। ले जी मैं छत पे आ गई हूँ अपने फोटोग्राफर के पीछे पीछे। मेरा फोटोग्राफर 2 दिन से बुक था, ठीक है, और इन्होंने उसको घेर लिया है और ऊपर आके फुल फोटो शूट चल रहा है और मैं इंतजार में खड़ी हूँ। इनका काम चेक करें जरा आप। खूबसूरत लड़कियाँ कभी कभी आती हैं। ये आप लोगों को जब मैंने बताया था कि फोटोग्राफर को मैंने हायर किया 2 दिन से, तो आपका क्या मकसद है कि मेरे फोटोग्राफर को आप लोग इस्तेमाल करें? कैसे हैं आप सब? ठीक है? नहीं नहीं ठीक। बाजिस्पाने बहुत जोर आपको देखने के बाद सबकी हालत खराब हो गई, उल्टियाँ। इधर की लाइट है, इधर की लाइट है। बाजिस्पाने बहुत, मेरा सूट तो दिखाओ। अच्छा ये ले, दूर से दूर। अच्छा चले बैक कैम से दिखाते हैं आपका सूट। व्लॉग मेरा और सूट इनके देखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। फुल लुक मैंने दिखानी थी लेकिन आप लोग इनकी दिखा दें। काम चेक करें बस। आप लोगों को गोली छोड़ाना चाहिए मुझे, आप लोग मेरे फोटोग्राफर को ले आए हैं ऊपर। मेरे नरेश के कपड़े भी दिखाओ। चलो तुसी आज व्लॉग च, मेरी खैर है। हम लोग घर से निकल आए फोटोज बनवाने के लिए, और देखे कोई इतना आसान नहीं होता, इतना बड़ा चादरा लेके आना पड़ा मुझे क्योंकि तो अच्छा नहीं लगता ना। अब मेरी उम्र है ना, मैं अभी जवान हूँ। खैर अब मैं अपनी पिक्चर्स बनवाने लगी हूँ आखिरकार, जिस वक्त का हमें सारी दिन और सारी रात से था इंतजार, वो होने जा रहा है। क्या ऐसी बहन वाकई नहीं मिल सकती। इसने सबसे पहले मेरे बाल बनाए हैं, मेरे मेकअप में मेरी हेल्प कराती है, और उसके अलावा क्या करती है? आगे से लड़के आ रहे हैं मेरा मोबाइल ना छीन ले। ऐसी बहन मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और ड्रेस क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर, मेरी हर चीज में हेल्प करने वाली, यही वो चेहरा है उस सबके पीछे, मेरी खूबसूरती के पीछे, वरना मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं। खूबसूरती के पीछे खूबसूरत चेहरा है। बट इट सबस सीम्स लाइक अ मैरिड, न्यूली मैरिड गर्ल, एंड दुपट्टा भी इसके अभी हम पहनते चले हैं। इनको थोड़ा डिफरेंट शूट करना था, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर आए हैं। लेट्स सी कैसा होता है। बादल सब अब जूता पहन रही हैं, इस वो बादल सब बहुत इमोशनल थी शूट कराने के लिए, क्योंकि तो सूट मुझे बड़ा अजीज था, ये जूता कपड़े क्यों ऐसा क्या था इस सूट में, तो मेरा लिया ना बहुत खास है, मुझे पसंद है। और ये बादल सबा के पोजेस कभी ना खत्म होने वाले, ये एक और बना दो, एक और बना दो, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि सब देखें, ये मेरा आज का आउटफिट है पूरा, दिखा दो। अच्छा लग रहा है, ये मेरी फील्ड है और ये मैं हूं। ये ड्रेस मेरा था पर इसने पहन लिया, प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। ये बादे सबा हैं और ये उसकी फ्रेंड हैं, रास्ते में वो आ गई थी तो उन्होंने फिर से मिलना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? खुदीजा, सबको पता पहले व्लॉग में ये। ओह यू आर लुकिंग सो प्रीटी खुदीजा। और मैं अम्मा लग रही हूँ पूरी। अच्छा खुदीजा तुम्हें मैंने कितना कहा था कुछ भी ना लेके आना, तुम क्यों लेके आई हो? तुम्हें पता है मेरी शक्ल भूखी लगती है ऐसी? हाँ लगती तो है। खुदीजा तुम बहुत प्रीटी लग रही हो यार। थैंक यू। और मैंने खुदीजा ने ना ट्विनिंग की है, व्हाइट की। अच्छा तुम क्या लेके आई हो देखते हैं। अच्छा खुदीजा कुछ लेकर आई है मेरे लिए और घर वालों के लिए, और लगता है बहुत ज्यादा अच्छा केक है जो खुल ही नहीं रहा, लगता है खुदीजा ने अच्छी तरह टेप्स लगवाई थी, खुले ही ना। ओ वाओ यार लुक्स यम्मी।
खुदीजा तुम खुद भी प्यारी हो और तुम चीज़ भी प्यारी हो और मज़े की लेके आई हो। थैंक यू। नहीं खुदीजा तुम क्यों थैंक यू कह रही हो? तुमने मुझे प्यारा कहा है। ओह माय गॉड। बातें सबा और जिमल को ईद मिलते हुए जिमल इतने छोटे पैसे। ये देखो ये मैंने कार्ड दिया जिमल को। जिमल अपना ड्रेस दिखाओ। हाँ दिखा दो सबको अपना। जिमल जिमल अपना ड्रेस तो दिखाओ, अपने शू दिखाओ। अब मैं खुदीजा अंदर आके बैठ गए हैं और मैं खुदीजा को अपनी कुछ एक्सेसरीज दिखा रही हूँ, जैसे इसमें मेरे टॉप्स वगैरह हैं। और ये देखो खुदीजा ये मेरी वॉचेस हैं। पसंद आई है तुम्हें? तो क्या मतलब तुम्हें दे दूँ? शक्ल देखी है तुमने? खुदीजा चलो ये वाली वॉच तुम रख लो, बस ये डब्बा मुझे वापस कर देना। तुम तो सीरियस हो गई हो यार। चलो पहन के दिखाओ कैसी लग रही है। ओके वैसे मैं अपने गिफ्ट्स किसी को देती नहीं, लेकिन खुदीजा से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, ये मेरी जान है, तो फिर मुझे देना पड़ा। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कौन ज्यादा अच्छा है। नहीं खुदीजा भी बहुत अच्छी है। ओए तुम सब 10 सब्सक्राइबर करवाओगी मेरे से? घड़ी लेके जा रही हो ना, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी करो दिखाओ। वाओ बहुत अच्छी लग रही है। क्यों तुम पे क्यों देखें? गाइस गाइस का क्या कसूर है? चाय मैंने बना लिया खुदीजा के लिए, अब हम चाय लेके चलते हैं अंदर। बालों का बम फट चुका है किचन में काम करके, गर्मी काफी ज्यादा है। आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद पे क्या बनाया, खाया, पकाया? अभी हमारा डिनर रेडी होगा, अभी दोपहर है, तो अभी हम खुदीजा को चाय सर्व करते हैं। ड्रिंक्स हो गई हैं, अब हम चाय लेके अंदर चलते हैं। बातें सभा को कैप्चर कर लिया है, बातें सभा को सुगड़ हो गई है बातें सभा। यानी अब रिश्ता आ जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लड़का संभाल सकती है? हाँ लड़का नहीं पूरा ससुराल संभालूंगी। संगला ससुराली हो क्या लाई हो आप? बस मैं बेसिक सा लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी हमने खाना खाना है। ओके ठीक है, तो अभी हम चाय एंजॉय करने लगे हैं। ओके मैंने अभी जो है ना आपको हायर कर लिया एज अ फोटोग्राफर। हमारी फोटोग्राफर भी बड़ी प्यारी है। अब खुदीजा का शूट हो रहा है और मैं खुदीजा पिक्चर्स बनाएंगे, बस हम आज सारा दिन पिक्चर्स बनाएंगे। ये देखें गाइस सुबह खाना ले आई है। मैं सही बता रही सुगर लड़की, अगर कोई रिश्ते में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बता सकते हैं। नहीं किसी को कोई जरूरत नहीं है। ओह यस शी इज ऑलरेडी आगे, आप समझदार हैं। ज्यादा हो गया। हाँ हेलो गर्ल्स क्या कर रहे हो आप लोग? खाना खा रहे हैं। खाओगी? मैं सुबह को। हाँ जरूर। लो ये मेहमान है और ये खाना दे रही है। नरेश खाना खा रहे हैं और ईद पे मजे मजे खाने बनते हैं, सेवइयां बनती हैं, बहुत मजा आता है। तो आपने क्या बनाया? अब आता है जब कोई बहुत करीबी इंसान आपके घर आते हैं। अच्छा जाइए, मुझे बहुत मजा आया। हम सबको मजा आया। और अब हम खाना एंजॉय करने लगे हैं, आप सब भी खाने एंजॉय करें। अभी भी फिर इन्हें इतना ज्यादा खा लेना, फिर इनको तो भेज दे, फिर इन्हें इतना खा लेना, फिर इनको वॉक पे लेके जाएंगे। वॉक पे जाएंगे घर से। बात है जी ठीक है खुदीजा। ओके डन। हम लोग पार्क आए हुए हैं और मैंने अपनी लुक चेंज कर ली है। अभी हमने फोटोज लिए हैं और नरेश ने मुझे एक दफा फिर लूट लिया है। अपनी ईदी से नहीं ली तुमने चीजें, मेरे से पैसे लेके आप ले रहे हो। हाँ खुदीजा मेरा व्लॉग करेगी, ऊंची बोलो। हाँ मैं करने वाली हूँ आज। हाँ तो करो। अभी हमारा डे वन नहीं चल रहा है और हम लोग अब गोलगप्पे खाने आए हैं। घर जाके हम डिनर करेंगे या गोलगप्पे नहीं गोला, दीदी गोला खाएंगे और हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। गोला रेडी हो रहा है और तुम गोलगप्पा नहीं खाओगे? चलो हम गोलगप्पे लेने चले। फरमाइश पे हम आ गए हैं गोलगप्पों वाली रेडी पे और हम खाने लगे हैं गोलगप्पे। एंड अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, तो हमने सोचा चलो यार खा लेते हैं। आज सुबह को गोलगप्पे मैं खिलाऊंगी। देखें गाइस मैं कितनी अच्छी, लास्ट टाइम इसको वो खिलाया था डोनियन जुगनू। इस सुबह रिच गर्ल सुबह टूट पड़ी है गोलगप्पों पे। ये देखें इसका मुंह, पहले वैसे तो इतना बड़ा नहीं खुलता, आज देखें। वाओ सुबह कैसे हैं गोलगप्पे? वैसे ये YouTube Instagram पे बनती है रिच गर्ल, वैसे हम लोग स्ट्रीट फूड भी प्रेफर करते हैं, जो मजा यहाँ पे है वो कहीं और नहीं है। खुदीजा का तो पेट भरने का नाम ही नहीं लेता।
अब इसने वैसे गोला मैंने ही खिलाया, 50 रुपए मैंने इस पे अपने वेस्ट कर दिए। कई सब वो तो मेरा रिच कर, ये 50 रुपए मैंने किसी और पे लगाया तो शायद बदले में मुझे कुछ मिल भी जाता। चलो दो मुझे खिला दो खदीजा, इतना नहीं कर सकती तो मैंने तुम्हें वॉच गिफ्ट की है। ओ हाँ, सब की वॉच में दिखाना भूल गई। मजे का यार, ये देखे गाइस दीदी तुमने दिखाई है, इस पे हमने पूरा क्लिप बनाया यार। यार रात का वो अलग व्यू आता है यार। मेरे ख्याल से मुझे मैं यही व्लॉग एंड कर देना चाहिए घर जाके हम डिनर के। अब हमने ये गोला भी खाना है तो गोला पिघल जाएगा। वेल आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड शेयर विद योर लवर्स कजन्स फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ईद मुबारक अगेन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।